हेलो फ्रेंड्स, तो आगे आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आज हम करेंगे इस टच लैंप पोर्टेबल स्पीकर की अनबॉक्सिंग रिव्यू। बताएंगे आपको ये कैसा प्रोडक्ट है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हेलो फ्रेंड, तो आज हम करते हैं इस टच लैंप पोर्टेबल स्पीकर की अनबॉक्सिंग। देखते हैं हमें इस बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। फ्रेंड, ये है हमारा सबसे पहले हमें ये इसके साथ ये फ्री मिलता है यूएसबी एलईडी बल्ब, इसको भी हम चेक करेंगे। और ये है हमारा पोर्टेबल स्पीकर, और एक हमें ये इसको चार्ज करने के लिए यूएसबी केबल। इसमें आपको सी टाइप नहीं मिलेगी, नॉर्मल आपको चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, ये है हमारा एलईडी पोर्टेबल स्पीकर। आगे हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, बताएंगे आपको ये कैसा है। तो फ्रेंड, ये हमारा टच एलसीडी पोर्टेबल स्पीकर। सबसे पहले बात की जाए इसकी ओवरव्यू के बारे में, तो ओवरव्यू में सबसे पहले इसकी हाइट की बात करें तो लगभग ये 5 इंच का आपको ये इसकी हाइट देखने को मिलती है। और इसकी वेट की बात की जाए तो ये लगभग 100 से 150 ग्राम का ये आपको इसका वेट देखने को मिलता है। और ऊपर की तरफ बात की जाए तो इसमें आपको एक स्पीकर भी देखने को मिलता है, और साथ में जो आयरन की जाली है ये आपको टच का भी काम करेगी, आगे हम बताएंगे। और साइड में देखा जाए तो इसमें एक साइड इसके पोर्ट्स और एक साइड में इसके बटन आपको देखने को मिलते हैं। और नीचे की तरफ देखा जाए तो इसको हैंगर करने के लिए आप इसको उल्टा भी लटका सकते हैं। तो फ्रेंड, ये तो था इसका ओवरव्यू। चलिए बात करते हैं अब इस पोर्टेबल स्पीकर के फीचर्स के बारे में, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले भाई, तो इसमें न तो कोई मुझे इसके बॉक्स पे या इसके कार्ड में, न तो इसकी कोई बैटरी के बारे में पता है बताया गया है, न ही इसके चार्जिंग टाइम का कुछ बताया गया है, न इसका बैकअप टाइम का। आगे हम इसका पता करेंगे कितनी देर में चार्ज होता है, कितना इसका बैकअप मिलता है। तो मोटा मोटा तो ये था। और बात की जाए इसमें, तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है, और साथ में इसमें आपको एफएम रेडियो का भी इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यही था इसका फीचर्स। आगे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और आगे हम आपको बताएंगे इसके अंदर क्या क्या और आपको देखने को मिलते हैं, इसके पोर्ट्स बटन सब कुछ। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स और इसके बटन्स के बारे में। सबसे पहले बात की जाए तो इसमें आपको एक इसका ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, और पास ही में आपको इसमें DC 5 वोल्ट का इसका चार्जिंग कनेक्टर, और पास ही में इसमें आपको ऑक्स का भी कनेक्टर देखने को मिलता है, और एक इसमें USB कनेक्टर और एक मेमोरी कनेक्टर। और साइड में देखा जाए तो इसमें वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने के बटन, और इसमें गाने को चेंज करने के बटन, और साथ में इसमें एक मोड का भी आपको बटन देखने को मिलता है। इसकी मदद से आप इसमें FM भी यूज कर सकते हो, और इसमें ब्लूटूथ का सपोर्ट है तो आप सीधा मूव होके ब्लूटूथ भी इसमें यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये तो थे इनके बटन्स। मुझे अगर सबसे ज़्यादा इसमें पसंद आई है वो चीज़ है इसकी ये आयरन वाली जाली, जिसको आप टच करके इसकी सारी RGB को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी लेवल को, इसकी RGB इफेक्ट को, सब कुछ इसको टच करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप इसको टच करोगे ये इसमें RGB ऑन हो जाएगी, और जैसे आप इसको टैप करते रहोगे वैसे वैसे इसकी RGB की लेवल कम या ज़्यादा होती रहेगी और ऑफ भी हो जाएगी। अगर आप इसमें RGB का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो सिर्फ इसको आप प्रेस करके रखिए इसमें,
आरजीबी ऑन हो जाएगी, और जैसे जैसे आप इसको टैप करते रहोगे इसमें आरजीबी अलग अलग कलर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस पोर्टेबल स्पीकर में। तो फ्रेंड, आपने इस पोर्टेबल टच स्पीकर की अनबॉक्सिंग रिव्यू, इसके बारे में, इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी आरजीबी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। लेकिन दो चीज़ों का मुझे भी नहीं पता था, अब पता चला है। एक तो इसकी चार्जिंग का टाइम और दूसरा इसका बैकअप, जो मैंने इसको चार्ज करके, इसको यूज़ करके पता चला है। अगर इसको चार्जिंग की टाइम की बात की जाए तो इसमें चार्ज करने में लगभग 1 घंटे 50 मिनट के लगभग इसको फुल चार्ज होने में इसका टाइम लगता है। और अगर इसके बैकअप की बात की जाए, अगर इसके आरजीबी के साथ अगर आप इसको प्ले करते हो तो लगभग ये आपको 1 घंटे लगभग 45 मिनट तक आपको ये साथ देगा। और अगर आप बिना आरजीबी के साथ इसको यूज करते हो सॉन्ग के साथ, गाने के साथ, तो ये आपको 2 घंटे तक आराम से इसका बैकअप टाइम आपको देखने को मिलता है। तो साउंड क्वालिटी मुझे सबसे बेकार लगी इसकी, किसी काम की नहीं है, एकदम कम है, कोई भी मतलब नहीं। तो फ्रेंड, यही था मेरा ओपिनियन इस पोर्टेबल स्पीकर का। मुझे तो इसकी साउंड क्वालिटी एकदम बेकार लगी। अगर आपको अच्छी लगती हो या आप एक बार इसको ट्राई करना चाहते हो तो आप मीशो पे जाकर इसको परचेज कर सकते हो। इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 300 का पड़ा मुझे, इसके कॉइन की और एक यूपीआई डिस्काउंट के साथ। अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहते हो तो मीशो पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यही था मेरा इसके बारे में रिव्यू, इसकी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए नई नई वीडियो इसी तरह लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।